प्रोफेसर साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। जो आज आपने सिमाल ट्री सिस्टम के हवाले से जो ट्रेनिंग दी, तो सिंध के लोगों को क्या पैगाम देंगे आप सर? मैं यहाँ पे तकरीबन जो है तीसरी से चौथी मरतबा आ रहा हूँ। पहले हमने सिमाल ट्री सिस्टम पे ट्रेनिंग दी, फिर उसके बाद उसकी फील्ड ट्रेनिंग की। फील्ड ट्रेनिंग के बाद अभी हम जो है नर्सरी ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर आए हैं। तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखी है कि दोस्त जो है ना सीखना चाहते हैं, और यहाँ पर जो है टारगेटेड दोस्त आते हैं कि जो वाकई कुछ सीखने के लिए आते हैं, और नो डाउट के वो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के साथ अपना पूरा टाइम देते हैं, और टाइम दे के कुछ ना कुछ हासिल करके जाते हैं, और जब वापस अपने फार्म पे जाते हैं तो वहाँ पे जाके इन चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, जो कि सबसे बड़ी हमारी कामयाबी है। हम ये समझते हैं कि जब तक हम चीज़ों को वहाँ पे अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हमारी ट्रेनिंग देने का फ़ायदा नहीं होगा। और ये फिर हमारे एक ग्रुप्स बने हुए हैं, उसमें ये जब ये चीज़ें अडॉप्ट करते हैं तो फिर उसके साथ साथ हम इनको ग्रुप्स में जो है वो गाइड करते रहते हैं, और हम यहाँ पे विजिट भी करते रहते हैं। सर, इतनी ट्रेनिंग का पो तो जो तव फैसलो किया है एसटीएस सिमाल ट्री सिस्टम जी के नर्सरी एस्टेब्लिशमेंट करना, उन्हें मां सिंधी जी मानू के केड़ो फायदो पे जी सके तो सर? इंशाल्लाह नर्सरी असि अगे ही कई है, इनके हाँ जो फर्दर एडवांस कहते एस टी एस से खड़ी वासी अस पान ऑलरेडी जमीन प्रिपेयर्ड थे पी फॉर सिक्स एकर्स एस टी एस जी मैंगो सिस्टम है उन्हें वनूस पे। नर्सरी में कोशिश कहती तो मैक्सिमम बेनिफिट जो है सिर्फ सिंध न बल्कि पाकिस्तान लेवल से मकसदा पे है, मूँ अच्छी सीखन भी सही, और नर्सरी में जो उनको बेनिफिट्स जी भी अचन था नर्सरी जहाँ वो प्रॉपरली वन असें ट्रेनिंग में माशाला काफ़ी जो शूँ गेन भी क्यों नयू सीखी पड़े जी टीपू साहब ट्रेन किया मुल्तान का हली थे जी असें ट्रेनिंग कराई थे। आसिफ साहब, मेरे ख्याल में ये आपकी बहुत ज़्यादा अचीवमेंट है कि एम एच पावर फार्म वालों ने जो है आपकी ट्रेनिंग के बाद एक नर्सरी एस्टेब्लिशमेंट का प्रोग्राम बनाया, तो आप इसको खुशाइन कर समझते हैं? बिल्कुल, इसको मैं बहुत ज़्यादा खुशाइन समझता हूँ, और मैं एम एच फार्म पे आके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि यहाँ पे इनके प्लांट्स की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, मैनेजमेंट के साथ साथ हेल्थ बहुत अच्छी है, और डिफरेंट वराइटीज़ ऑफ मैंगोज अराउंड अबाउट 32-33 वराइटीज़ जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, और ये आगे इसकी जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग भी करते हैं। ये मुझे बहुत खुशी हुई कि ये दोस्तों को सिंध के ग्रोअर्स को आगे गाइड कर रहे हैं। अब ये नर्सरी का प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे तो उसमें ना सिर्फ ये लोगों को पौधे देंगे, अपनी भी ये फार्म की जो है ना वो उसको भी इंक्रीज़ करेंगे, और एसटीएस पे 6 एकड़ लगाने जा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा खुशाइन बात है। बड़ी मेहरबानी जी, थैंक यू सर, थैंक यू।